आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अपराध कायम होने के चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। थाना डबरा की त्वरित कार्यवाही। जिले के थाना क्षेत्र डबरा का मामला है, जहां प्रार्थिया ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 अक्टूबर 2021 के 2 बजे दिन में, जब सास ससुर घर पर नहीं थे, पति काम करने बाहर गए थे, अकेला लड़का घर पर था कि इसी बीच आरोपी सुलेंदर जांगड़े जबरन कमरा के अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ जबरन बलात्कार किया है। किसी को बताने पर तथा इसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। वहीं प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 506 IPC तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी डबरा DR टंडन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन बलात्कार करना स्वीकार किया, जहां सुरेंद्र जांगड़े पिता पार्थोराम जांगड़े उम्र 30 वर्ष साकिन कठर्रा पाली को 6 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ जांगी नवागढ़ राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। प्रार्थिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसके घर में जब कोई नहीं था, तभी आरोपी सुलेंदर जांगड़े पिता पार्थोराम जांगड़े उम्र 30 वर्ष निवासी कठर्रा पाली ने जबरन घुसकर इसके साथ घटना दिनांक 1/10/2021 को गलत काम किया है और इसके पहले भी 4-5 बार गलत काम जान से मारने की धमकी देते हुए कर चुके हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपराध क्रमांक 33/22 धारा 376/506 कायम करके विवेचना किया जा रहा था तथा महिला संबंधित अपराध होने से तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।